तो वीवो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 54 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा 7 अक्टूबर 2021 थर्सडे को डबल हेडर होने वाला है। एक दिन में दो मैचेस खेले जाएंगे, ये दिन का दूसरा मैच होगा। इस वजह से अपने मेन टाइम शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ यह मुकाबला केकेआर हो या फिर राजस्थान, दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है, डू और डाई का मैच है। इस लिहाज से यह मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी रोमांचक भी होने वाला है। जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट के बड़े अंतर से, दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पिछला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार कर आ रही है 8 विकेट के बड़े अंतर से। दोस्तों इन दोनों ही टीमों का आईपीएल 2021 के प्लेऑफ से पहले लीग स्टेज में यह आखिरी मुकाबला है। दोनों ही टीम अब तक टोटल 13 मुकाबले खेल चुकी है, जहां फिलहाल केकेआर की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है एक मजबूत स्थिति में। जहां केकेआर की टीम प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम जहां प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन दोस्तों मैथमेटिकली राजस्थान रॉयल्स की टीम अब भी आईपीएल 2021 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो आपको इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का सिनेरियो क्या है चौथे स्थान के लिए केकेआर और राजस्थान दोनों ही टीमों के लिए। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को करना कुछ नहीं है, अब यह आखिरी मुकाबला जीतना है। इनके टोटल 14 अंक हो जाएंगे, यह टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है या फिर अगर जीत भी जाती है तो बड़े अंतर से ना जीते, तब भी केकेआर की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इनका रन रेट काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा पॉजिटिव में है। दूसरी ओर अगर केकेआर की टीम यह मुकाबला हार जाती है तो मुंबई इंडियंस की टीम भी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, इस लिहाज से केकेआर की टीम तब भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर केकेआर की टीम यह मुकाबला हार जाती है और मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है तो आसानी से मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए सिनेरियो कुछ इस तरह से है, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम को यह मुकाबला तो पहले हर हाल में जीतना होगा, अगर यही मुकाबला हार गई तो फिर प्लेऑफ के रेस से कंप्लीटली 100% बाहर हो जाएगी। जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर यह मैच जीतती है तो केकेआर के खिलाफ 125 रन के बड़े अंतर से जीते, और मुंबई इंडियंस की टीम अपना आखिरी मुकाबला हार जाए 40 रन के बड़े अंतर से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो इस लिहाज से राजस्थान रॉयल्स का रन रेट केकेआर और एमआई से बेहतर हो जाएगा और राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी अगर यह सब कुछ होता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स का जो भाग्य है वो अपने हाथ में नहीं है, दूसरी टीम पर है। दूसरे इस मुकाबले से पहले केकेआर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है, जहां केकेआर के दो सबसे मेन खिलाड़ी एक आंद्रे रसल जबरदस्त खतरनाक ऑलराउंडर, तो वहीं दूसरे खिलाड़ी लुकी फर्ग्यूसन जबरदस्त तेज गेंदबाज, ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले कुछ मुकाबलों से नहीं खेले थे क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी इंजर्ड थे, चोटिल थे, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही खिलाड़ी ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये फिट हो चुके हैं। तो जब केकेआर की टीम में ये दोनों ही खिलाड़ी वापसी करेंगे तो केकेआर की टीम पहले से बेहतर, पहले से बैलेंस और मजबूत टीम दिखाई देगी। तो इस वीडियो में आगे आपको पूरी विस्तार से बताने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, दोनों टीमों के हेड टू हेड और कुछ अहम रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की भी बात करने वाले कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, जीत पाएगी केकेआर या फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर से करेगी पलटवार। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, लेकिन उससे पहले इस समय एमपीएल पर लूट मचा हुआ, जहां इस आईपीएल आप एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर हर दिन हर रोज एक नया आईफोन जीत सकते हैं। सच्चाई तो यही है कि सबसे आसान और सबसे रियल ऐप जो आपको लाखों तक जिता सकता है इस आईपीएल में वो है एमपीएल ऐप। एमपीएल ऐप पर सबसे कम मार्जिन है और सबसे तेज मनी ट्रांसफर, कोई फ्रॉड नहीं, रियल मनी, रियल पीपल और रियल विनर्स। अब आपको टीम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमपीएल ऐप पर आपको एक्सपर्ट मिलते हैं, दीप दास गुप्ता जैसे, जो हर मैच का टीम आप लोगों के लिए बनाकर देते हैं, पूरा रिसर्च उनका और पूरा लाभ आपका। चलो दिखाता हूँ आज की टीम कैसी बनाई है, स्क्रीन पर देख सकते हो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमपीएल को। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आईपीएल 2021 का ये मैच नंबर 54 कोलकाता और राजस्थान के बीच खेला जाएगा 7 अक्टूबर को, ये दिन का दूसरा मैच होगा, शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। तो बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन दो टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक टोटल 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां 12 मैचों में जीत मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, तो वहीं 11 मैचों में जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स की टीम को और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। तो इन दो टीमों के बीच पिछले जो 5 मुकाबले खेले गए, पिछले 5 मैचों में से राजस्थान रॉयल्स की टीम को मात्र एक ही मैच में जीत मिली है और 4 मैचों में हार, यानी कि केकेआर की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 जीते हैं और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं केकेआर का थोड़ा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके पिच रिपोर्ट और कंडीशन के बारे में, तो यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच पूरी तरह से बदल चुकी है। यह पिच एक स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है, जहां शुरुआत में बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता है, तेज गेंदबाजों के अलावा स्पिनर
रेडर्स काफी शानदार गेंदबाजी कराते हैं इस मैदान पर, जहां इस मैदान पर पिछले जो 7 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल 2021 के, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का जो एवरेज स्कोर है वो मात्र 132 ही रन है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिच किस तरह की है। और पिछले जो 7 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल 2021 के, इस मैदान पर चेस करने वाली टीम को 5 मैचों में जीत तो वहीं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दो टीमों के बीच ऑलरेडी आईपीएल 2021 में एक मैच खेला जा चुका है और उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने केकेआर की टीम को 6 विकेट के अंतर से हरा था। तो आईपीएल 2021 पार्ट 1 में मिली हार का बदला केकेआर की टीम आईपीएल पार्ट 2 में लेना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स को हराकर, और इस जीत से केकेआर की टीम अपनी राह आसान करना चाहेगी आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 4th स्थान के तौर पर, जो फिलहाल सबसे बड़ी प्रबल दावेदार टीम मानी जा रही है। लेकिन शर्त यही है कि केकेआर की टीम को यह मुकाबला जीतना होगा अगर प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई करना है। तो अब चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 तो कुछ इस तरह से होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 एज अ ओपनर, नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल युवा ओपनर बल्लेबाज, नंबर 2 पर एवन लुविस, जबकि नंबर 3 पर संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 4 पर शिवम दुबे, तो वहीं नंबर 5 पर ग्लेन फिलिप्स, जबकि नंबर 6 पर डेविड मिलर या फिर लियाम लिविंगस्टोन, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, जबकि नंबर 7 पर राहुल तेवटिया, तो वहीं नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर चेतन सेकरिया युवा तेज गेंदबाज, नंबर 10 पर श्रेयस गोपाल, तो वहीं नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान। तो गाइस ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, तो वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। एज अ ओपनर, नंबर 1 पर शुभमन गिल, नंबर 2 वेंकटेश अय्यर युवा ओपनर बल्लेबाज और ऑलराउंडर, जिनका प्रदर्शन अब तक आईपीएल पार्ट 2 में बेहद ही शानदार रहा है। तो वहीं नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर नीतीश राणा, तो वहीं नंबर 5 पर जॉन मॉर्गन कप्तान, जबकि नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन, तो वहीं नंबर 7 पर बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है, साकिब उल हसन या फिर आंद्रे रसल, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, जहां पर रसल अगर मैच के लिए 100% फिट है तो वही खेलेंगे, वरना फिर साकिब उल हसन खेलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सबसे अच्छी खबर यह है कि रसल ने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर सुनील नारायण बेहतरीन ऑलराउंडर, तो वहीं नंबर 9 पर भी बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है, जहां टीम साउदी की जगह पर इस मुकाबले में लोकी फर्ग्यूसन को खिलाया जा सकता है, जो कि लोकी फर्ग्यूसन भी अगर मैच से पहले 100% फिट हैं तो नहीं खिलाया जाएगा। फिलहाल लोकी फर्ग्यूसन ने भी ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर शिवम मावी, तो वहीं नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती मिस्टर स्पिनर। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को लेकर एक खबर यह है कि वरुण चक्रवर्ती के घुटने में फिलहाल चोट लगी हुई है, अगर ये मैच से पहले 100% फिट हैं तो यही खेलेंगे, वरना फिर इनकी जगह पर हरभजन सिंह को खिलाया जा सकता है। हालांकि केकेआर की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई है कि वरुण चक्रवर्ती चोटिल हैं, वो मुकाबले खेलने के लिए अवेलेबल हैं या फिर नहीं। जैसे ही कोई भी अपडेट्स आती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी अपडेट्स दे दी जाएगी, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। इस मुकाबले की प्रेडिक्शन के बारे में कि मेरा अनुमान क्या है, तो गाइस जो टीम पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी, अगर उसने 140 या फिर 145 प्लस स्कोर कर लिया तो पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन अगर पहले इनिंग्स में मात्र 135 या फिर उससे कम बनते हैं या फिर 140 बनते हैं, तो फिर चेस करने वाली टीम यह मुकाबला आसानी से जीत सकती है। वहीं अगर आप अभी तक एमपीएल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भी फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप अपनी टीम बनाइए और जीतिए काफी ज्यादा लाखों इनाम।